एक आदमी जिसने 51 साल तक अपनी पहली मोहब्बत का इंतजार किया, उसे अपनी मोहब्बत मिली या नहीं, इसी के ऊपर आज की हमारी ये मूवी बेस्ड है। मूवी का नाम है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। मूवी की शुरुआत 19वीं शताब्दी कोलंबिया से होती है और हम एक 80 साल के बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर अर्बिनो है। वो अपने घर के बागीचे में बैठकर गाने सुन रहे थे, तभी उनकी नजर उनके पालतू तोते पर जाती है जो पिंजरे से निकलकर पेड़ पर बैठ गया था। डॉक्टर अर्बिनो उसे पकड़ने के इरादे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उनका पैर फिसल जाता है, वो जमीन पर जा गिरते हैं और फिर उनकी पत्नी दौड़कर उनके पास आती है जिनका नाम फर्मीना था। डॉक्टर अर्बिनो मरने से पहले अपनी पत्नी से कहते हैं कि सिर्फ भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक और बूढ़े आदमी फ्लोरेंटिनो को देखते हैं जो अमेरिका नाम की एक लड़की के साथ है। बाहर से उसे चर्च में बजने वाली घंटियों की आवाजें आ रही थी जिसका मतलब था कि किसी बड़े आदमी या गवर्नर की डेथ हो गई है। वो अमेरिका को वहां से जाने को कहता है। उधर फर्मीना और उसकी फैमिली डॉक्टर अर्बिनो के फनरल में शामिल होते हैं और सारे रिश्तेदारों के चले जाने के बाद जब फर्मीना अपने घर वापस लौटती है वो देखती है कि फ्लोरेंटिनो वहाँ खड़ा है। फर्मीना को देखते ही वो उससे कहता है कि वो इस मौके का इंतजार तो पिछले 51 साल 9 महीने और 4 दिन से कर रहा था और वो उसे बताना चाहता है कि वो उसे तब से प्यार करता है जब उसने पहली बार फर्मीना को देखा। असल में फ्लोरेंटिनो जब जवान था तब उसे फर्मीना से प्यार हो गया था। उसकी बातें सुनकर फर्मीना उसे घर से जाने को कहती है और साथ में ये भी कि जब तक वो जिंदा है वो उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। उसके जाने के बाद फर्मीना अपनी अलमारी से कुछ लेटर्स निकालती है जो असल में लव लेटर्स थे। वो लव लेटर्स उसे फ्लोरेंटिनो ने लिखे होते हैं और निशाने के तौर पर फ्लोरेंटिनो ने उसे अपने बाल दिए थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एक जवान फ्लोरेंटिनो को देखते हैं जो कि एक पोस्टमैन था। एक दिन उसे मिस्टर दाजा के घर एक लेटर पहुंचाना था जो एक अमीर व्यापारी है। वहीं पर उसकी नजर फर्मीना पर पड़ती है जो दाजा की एक लौती बेटी थी। फर्मीना की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी आंटी की थी। फर्मीना को देखते ही फ्लोरेंटिनो को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। उस रात वो जल्दी घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे खाने के लिए पूछती है लेकिन वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर फर्मीना के लिए एक लव लेटर लिखने लगता है। उसकी माँ समझ जाती है कि उसके बेटे को इश्क हो गया है। फ्लोरेंटिनो अपनी माँ को फर्मीना के बारे में बताता है और कहता है कि वो अभी अभी इस शहर में आई है। उसे देखते ही वो समझ गया था कि उसने फर्मीना के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। उसकी माँ जानना चाहती है कि क्या फर्मीना से उसने अपने प्यार का इजहार किया। फ्लोरेंटिनो बताता है कि वो हमेशा अपनी आंटी के साथ रहती है, उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे ये लव लेटर दे देगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे सबसे पहले फर्मीना की आंटी को बताने की जरूरत है जिसके बाद ही वो फर्मीना को अपने करीब ला सकता है। अगले दिन क्रिसमस था। फ्लोरेंटिनो चर्च जाता है और फर्मीना को अपना लव लेटर देने की कोशिश करता है लेकिन फर्मीना कहती है कि वो अभी यहाँ उसका लेटर नहीं ले सकती, वो उसे बाद में अपना लेटर दे। बाद में फर्मीना उसके पास आती है और फ्लोरेंटिनो उसे अपना लव लेटर दे देता है। अब जब उसने अपना लव लेटर फर्मीना को दे दिया है वो वापस अपने घर आता है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी माँ को लगता है कि उसे कॉलरा हो गया है लेकिन फ्लोरेंटिनो बताता है कि उसने अपना लव लेटर फर्मीना को दे दिया है और यही सोच सोच कर उसे टेंशन हो रही है कि वो क्या जवाब देगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा इंतजार का मजा लो क्योंकि ये पल उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला। कुछ दिनों बाद फर्मीना की आंटी पोस्ट ऑफिस आती है और फ्लोरेंटिनो को फर्मीना का लेटर मिलता है और वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब से दोनों गुप्त तरीके से अपने लेटर्स का आदान प्रदान करने लगते हैं। निशाने के तौर पर फ्लोरेंटिनो उसे अपने बाल काट कर देता है। एक दिन फ्लोरेंटिनो उसके घर आता है और कहता है कि अब बहुत हुआ लव लेटर्स लिखना, ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। अब फर्मीना उससे कुछ दिनों का समय मांगती है लेकिन आंटी उसे समझाती है कि देख बेटा मैंने प्यार और शादी तो नहीं की लेकिन मैं जानती हूँ कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, इसीलिए तुम बिना समय गवाए फ्लोरेंटिनो को हाँ कर दो, उससे बेहतर प्यार करने वाला लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला।
अब ये सुनकर फरमीना उसे शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उनके पिता को उनके रिश्ते का पता चल जाता है। उन्हें वो लव लेटर्स मिल जाते हैं। इन सब का दोष आंटी के सर पर मढ़ा जाता है। वो आंटी को वहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं। बाद में वो फरमीना को समझाता है कि तुम बेहद ही कीमती हो मेरे लिए, इसीलिए प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे कहीं बेहतर लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन फरमीना पर तो प्यार का भूत सवार था। फरमीना अपने बाल काट कर फ्लोरेंटिनो को भेजती है। उसे पता है कि उसके पापा अब उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। उसके बाद मिस्टर दाजा फ्लोरेंटिनो के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब मिस्टर दाजा एक अमीर आदमी है, वो कैसे अपनी बेटी का रिश्ता एक पोस्टमैन से करवा देते। लेकिन फ्लोरेंटिनो भी सच्चा आशिक था। वो कहता है जो करना है कर लो, मैं फरमीना को नहीं छोड़ने वाला। अब जब बात इतनी आगे बढ़ ही चुकी है, मिस्टर दाजा को बस एक ही रास्ता दिखता है फ्लोरेंटिना से अपनी बेटी का पीछा छुड़वाने का। वो अपनी बेटी को लेकर उस शहर से ही चले जाते हैं और फरमीना को उनके दूर के रिश्तेदारों, उनकी दादी और भतीजी के पास छोड़ देते हैं। वहाँ भी उसे फ्लोरेंटिनो के लव लेटर्स मिलते थे। फरमीना को अपनी कजिन से पता चलता है कि उसके पापा यहाँ उसे एक साल तक रखने वाले हैं। फरमीना को एक साल कुछ भी नहीं लगता क्योंकि वो लेटर्स के जरिए फ्लोरेंटिनो के संपर्क में थी। उसे लगता है कि फ्लोरेंटिनो से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलने वाला और वो अपनी कजिन से कहती है कि तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती बेबी। लेकिन उसकी कजिन उसे बताती है कि वो एक शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में है जो उसी उम्र में 20 साल बड़ा है। उसी साल उस शहर में क्लोरा यानी हैजा फैल जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। एक दिन फ्लोरेंटिनो अपने एक दोस्त के साथ ब्रॉथल जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे औरतों के साथ मजे करने को कहता है। लेकिन फ्लोरेंटिनो के ऊपर तो बस फरमीना के इश्क का भूत सवार था। वो कहता है कि उसने फरमीना से वादा किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका है। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फ्लोरेंटिनो फरमीना के वापस आने का इंतजार करता रहा। 3 साल बाद वो वापस कोलंबिया आ जाती है। फ्लोरेंटिनो मार्केट में उसका पीछा करता है और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब फरमीना वो फरमीना नहीं रही थी जो फ्लोरेंटिनो के प्यार में पागल थी। वो लव लेटर्स जो वो एक्सचेंज करते थे फरमीना के लिए काफी नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ वो रोमांटिक पल नहीं बिताए थे जो हर एक प्यार करने वालों के लिए जरूरी होता है। उसने जिस वक्त दोबारा फ्लोरेंटिनो को देखा वो समझ गई कि वो उसे प्यार नहीं करती। वो बस उसका भ्रम था कि उसे फ्लोरेंटिनो से प्यार है। ये सब सुनने के बाद फ्लोरेंटिनो घर जाकर काफी रोता है। उसका दुख देख उसकी माँ भी रोने लगती है। एक दिन फरमीना बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर अर्बिनो उसे देखने आते हैं। सबको शक था कि फरमीना को हैजा हो गया है लेकिन डॉक्टर क्लियर करता है कि उसे बस चेस्ट इन्फेक्शन है और कुछ ही दिनों में वो बेहतर हो जाएगी। इलाज के दौरान डॉक्टर के सामने शर्म वरम सब त्याग देनी होती है लेकिन फरमीना को काफी शर्म आ रही थी। पहली बार था कि वो किसी आदमी के इतने पास थी। फरमीना डॉक्टर अर्बिनो को देखते ही पसंद आ जाती है और ये बात मिस्टर दाजा भी जान चुके थे। डॉक्टर अर्बिनो अक्सर उसे चेक करने के बहाने उसके घर आने जाने लगे लेकिन फरमीना को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अर्बिनो उसे अपने दिल की बात लेटर्स में लिखकर दिया करता था लेकिन फरमीना ने कभी उसके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। उधर फ्लोरेंटिनो भी इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। वो उसे किसी भी तरह पाना चाहता है। एक मेले में फरमीना अपनी फोटोज खिंचवाने जाती है। भीड़ काफी ज्यादा थी इसलिए डॉक्टर अर्बिनो उन्हें लिफ्ट देते हैं। फरमीना के साथ उसकी कजिन भी थी जिसके साथ अर्बिनो काफी मजाक कर रहा था। अब फरमीना को घर छोड़ते वक्त अर्बिनो कहता है कि उसे अपने खतों का जवाब जल्दी चाहिए। उसी रात फरमीना की कजन डॉक्टर अर्बिनो के बारे में बातें कर रही थी। वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट थी। उसकी बातें सुन फरमीना उसी रात अर्बिनो को लेटर लिखकर कहती है कि वो उसके पापा से बात करके उसका हाथ मांगे और जल्द ही अर्बिनो की फरमीना से शादी हो जाती है। फ्लोरेंटिनो की माँ उसके चाचा के पास जाती है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो चाहती है कि फ्लोरेंटिनो को कहीं दूर नौकरी के लिए भेज दिया जाए जहाँ से वो फरमीना को लेटर्स ना भेज सके। असल में वो बस ये चाहती थी कि उनका बेटा फरमीना की यादों से बाहर निकले। उसके चाचा फ्लोरेंटिनो को ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पहुँचने में 3 हफ्ते लगते हैं। फरमीना और अर्बिनो भी अपने हनीमून के लिए पेरिस आ गए थे। उधर फ्लोरेंटिनो जब अपने जहाज में था उसे एक लड़की अपने कैबिन में खींच लेती है जिसका चेहरा वो नहीं देख पाया था और इस तरह उसकी सिर्फ फरमीना के साथ इंटीमेट होने की प्रतिज्ञा टूट जाती है। अगले दिन उसे जहाज में काम करने वाले वर्कर से पता चलता है कि उस कैबिन में 3 औरतें रहती हैं।
अब फ्लोरेंटिनो काफी बेचैन हो जाता है। वो जानना चाहता है कि उस कैबिन के अंदर उसे किस औरत ने खींचा था, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता। वो उस कैबिन के सामने से रोज गुजरता ये सोचकर कि कोई औरत उसे फिर से दबोचेगी, लेकिन उसके साथ दोबारा ऐसा फिर नहीं होता। वो वापस कोलंबिया आ जाता है ताकि फर्मीना के पास रह सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पेरिस में अपना हनीमून मना रही है। ये सुनकर फ्लोरेंटिनो फिर से रोने लगता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना चाहिए अपना गम भुलाने के लिए, लेकिन वो जानता है कि फर्मीना उसके दिलो दिमाग से नहीं निकलेगी। कुछ दिनों बाद वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है और नजरत नाम की एक औरत फ्लोरेंटिनो की माँ के पास मदद मांगने आती है। उसका पति इस लड़ाई में मर गया था। फ्लोरेंटिनो की माँ को ये एक अच्छा मौका दिखा उसके बेटे का दर्द दूर करने का। वो नजरत को अपने बेटे के बेड पर सोने को कहती है और चली जाती है। बाहर लड़ाई का शोर सुनकर नजरत काफी डर रही थी और फिर वो फ्लोरेंटिनो से लिपट गई और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फ्लोरेंटिनो एक लेटर में उन औरतों के बारे में लिखा करता था जिन जिनके साथ उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुकी है। उसकी माँ को लगा शायद अब फर्मीना का भूत उसके बेटे के सर से उतर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि फ्लोरेंटिनो अभी भी फर्मीना के प्यार में पागल था। लेकिन अब उसे अपने दर्द को कम करने का तरीका समझ आ गया था। वो बस औरतों के साथ मजे करता। फर्मीना भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पेट में तिड़वा बच्चे हैं। अब फ्लोरेंटिनो वापस से अपने चाचा के पास जॉब मांगने जाता है। वो भी अपने चाचा की तरह अमीर बनना चाहता था ताकि जिस वक्त उसे फर्मीना को पाने का मौका मिले, गरीबी की दीवार उनके सामने ना आए। अब बस उसे डॉक्टर अबिनो के मरने का इंतजार है कि जब वो मरेगा फर्मीना उसकी हो जाएगी। फ्लोरेंटिनो कहते हैं कि वो उनकी तरह अमीर बनना चाहता है। उसके चाचा उसे अपनी रिवर बोट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं। फ्लोरेंटिनो आशिकों के लिए लव लेटर्स लिखने का काम करता था। उसके लव लेटर्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगे। फर्मीना की उसकी सास से भी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे लगता था कि फर्मीना के अंदर कोई भी हुनर नहीं है। बातों बातों में उनके बीच फ्लोरेंटिनो के चाचा डॉन लियो का जिक्र छिड़ता है। बाहर ये गॉसिप्स हो रही थी कि डॉन रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उनकी कंपनी उनका भतीजा फ्लोरेंटिनो संभालेगा। फ्लोरेंटिनो के बारे में वो औरतें अनाप शनाप बकने लगती हैं। ये सुन फर्मीना उनसे कहती है कि फ्लोरेंटिनो एक अच्छा इंसान है, उसे बहुत अच्छे से जानती है। उस रात फर्मीना अरबिनो से पूछती है कि वो अपना घर कब खरीदेंगे। वो अब और अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अरबिनो की बातों से वो समझ जाती है कि वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाने वाला। अरबिनो भी फेमिना से फ्लोरेंटिनो की वजह से नाराज था और उसे टोन मारते हुए कहता है कि शायद वो फ्लोरेंटिनो के साथ ज्यादा खुश रहती। अब फर्मीना को अपनी शादी में गलतियां नजर आने लगी थी। वो हर वक्त फ्लोरेंटिनो के ख्यालों में खोई रहती। उधर फ्लोरेंटिनो का दूसरी औरतों के साथ रोमांटिक संबंध जारी थे। एक दिन काफी तेज तूफान आया हुआ था। फ्लोरेंटिनो को रास्ते में ओलंपिया नाम की एक औरत दिखती है। वो उसे लिफ्ट देता है। उसके पति का कबूतरों को बेचने का बिजनेस था। ओलंपिया बताती है कि उसकी शादी को अभी एक ही साल हुआ है और उसका पति काफी शक्की किस्म का इंसान है। ओलंपिया उसे कबूतर गिफ्ट करती है जिसका यूज फ्लोरेंटिनो उसे लव लेटर्स भेजने के लिए करता था। उधर अपने बेटे की वजह से फ्लोरेंटिनो की माँ भी पागल हो चुकी थी। उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता था। ओलंपिया और फ्लोरेंटिनो का रिश्ता भी काफी आगे बढ़ चुका है। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे हैं, लेकिन उनका ये इश्क ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। ओलंपिया के पति को उनकी अफेयर के बारे में पता लग गया और उसने ओलंपिया का गला काट दिया। फ्लोरेंटिनो को इस बात का दुख है कि उसकी मौत की वजह वो खुद था और थोड़े ही दिनों बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई। उसके चाचा डॉन लियो रिटायर हो जाते हैं और कंपनी फ्लोरेंटिनो के नाम कर देते हैं। उधर फर्मीना को अरबिनो के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो उनके अफेयर के बारे में अरबिनो से बात करती है। अरबिनो बताता है कि उसका अफेयर पिछले 4 महीने से चल रहा है। वो औरत उसकी पेशेंट थी, वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया, लेकिन अब वो इस अफेयर को खत्म करना चाहता है। अगले दिन अरबिनो उस औरत के पास जाता है और उसके साथ अपने संबंध खत्म कर देता है। फर्मीना उन्हें छिपकर देख रही थी। इस अफेयर की वजह से अरबिनो और फर्मीना के बीच दूरियां बढ़ गईं। फर्मीना अपनी आंटी के घर रहने आ गई। उसकी कजिन को लगता कि फर्मीना ने यहाँ आकर अच्छा किया। वो उससे फ्लोरेंटिनो के बारे में पूछती है। फर्मीना बताती है कि अब वो काफी बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने कभी फ्लोरेंटिनो से प्यार किया था। 3 साल बाद अरबिनो फर्मीना के पास आता है और उससे माफी मांगता है। फर्मीना उसे माफ कर देती है और वापस कोलंबिया आ जाती है। फ्लोरेंटिनो उसे एक पार्टी में देखता है, लेकिन फर्मीना उसे नहीं पहचान पाती। फ्लोरेंटिनो को लगता है कि फर्मीना अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसका पति अभी भी जवान दिखता है। उम्र तो फ्लोरेंटिनो की भी हो गई थी। उसका दोस्त जानना चाहता है कि फ्लोरेंटिनो औरतों को कैसे पटा लेता है।
फ्लोरेंटिनो बताता है कि वो औरतें उसमें किसी और को ढूंढती हैं और अब तक वो 600 से भी ज्यादा औरतों के साथ रोमांटिक संबंध बना चुका है। उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके अंकल के दोस्त की बेटी थी। उस लड़की का नाम अमेरिका था। वो एक स्टूडेंट है और टीचर बनना चाहती है। वो हर संडे उसे मिलता था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहानी प्रेजेंट में आती है। फर्मीना के पति अर्बिनो की डेथ हो चुकी है। फ्लोरेंटिनो ने अमेरिका से ब्रेकअप कर लिया ये कहकर कि वो किसी से शादी करने जा रहा है। इस ब्रेकअप को वो झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। फ्लोरेंटिनो फर्मीना को फिर से लव लेटर लिखने लगा लेकिन फर्मीना उसके लेटर्स को पढ़ते ही जला देती या फिर फाड़ देती। उसने कभी भी उसके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। फर्मीना की बेटी को भी पता था कि उसकी माँ को रिवरसाइड कंपनी का मालिक लेटर्स लिखता है और वो फ्लोरेंटिनो के बारे में अनाप शनाप कहने लगती है जो फर्मीना को अच्छा नहीं लगा। एक दिन फर्मीना फ्लोरेंटिनो को घर बुलाती है और कहती है कि उसके लेटर्स में लिखी कुछ बातें उसे काफी सुकून देती हैं। लेकिन वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बीच कुछ कॉमन था। उसके लिए उसका पति ही परफेक्ट है और हमेशा रहेगा। भले ही वो अब जिंदा नहीं है लेकिन वो हमेशा अर्बिनो से ही प्यार करती रहेगी। फ्लोरेंटिनो का यूं फर्मीना से मिलना उसकी बेटी को अच्छा नहीं लगता। उसके हिसाब से एक बूढ़ी औरत और आदमी के बीच रोमांटिक संबंध नहीं होने चाहिए लेकिन फर्मीना के बाकी बच्चों को इससे कोई एतराज नहीं था क्योंकि फ्लोरेंटिनो का साथ फर्मीना के अकेलेपन को दूर कर सकता है। फर्मीना अपनी बेटी को घर से निकाल देती है और फ्लोरेंटिनो से मिलना जारी रखती है। फ्लोरेंटिनो उसे साथ में रिवर टूर पर चलने को कहता है और दोनों एक शिप से निकल पड़ते हैं। शिप पर फर्मीना फ्लोरेंटिनो से बताती है कि उसकी शादी काफी अच्छी थी। अब जब अर्बिनो जिंदा नहीं है उसे महसूस होता है कि उन्होंने कितने पल फिजूल की लड़ाई और झगड़ों में बर्बाद कर दिए। अर्बिनो उसके लिए परफेक्ट था। फ्लोरेंटिनो को अभी भी यकीन था कि फर्मीना उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद फ्लोरेंटिनो एक दिन उसे बताता है कि कल वो अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद उन्हें अपने अपने घर जाना होगा। ये सब सुनने के बाद फर्मीना उसे किस कर लेती है और उस रात वो खुद को फ्लोरेंटिनो को सौंप देती है। अंत में फ्लोरेंटिनो अपने जहाज के कैप्टन से पूछता है कि वो कैसे इस जहाज में अकेले फर्मीना के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, जिस पर उस जहाज का कैप्टन बताता है कि ऐसा तो बस आपातकालीन स्थिति में ही पॉसिबल है अगर वो ये कहे कि जहाज में हैजा फैल गया है। ये सुनने के बाद फ्लोरेंटिनो कैप्टन को जहाज में पीला झंडा उठाने का आदेश देता है। इससे होगा ये कि कोई भी इंसान उस जहाज में चढ़ने से डरेगा और इस झूठ से फ्लोरेंटिनो और फर्मीना को एक साथ अकेले में रहने का समय मिलेगा। उनका प्यार एक बीमारी बन चुका है जो उन दोनों को जीवन और मृत्यु के बीच हमेशा साथ रहने की मंजूरी देता है। लास्ट में कैप्टन उस जहाज में पीला झंडा फहरा देता है और फ्लोरेंटिनो फर्मीना के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।